नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का बोल स्काई में स्वागत करती हूँ। भले ही आप संतुलित आहार लेते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, यहाँ तक कि आप नियमित हेल्थ चेकअप करवाकर खुद को फिट भी रखते हैं, लेकिन हमारे डेली यूज में आने वाली ऐसी कई चीजें हैं जो टॉक्सिन्स से भरी हुई हैं और इनसे हम खुद को सुरक्षित नहीं रख पाते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसका संबंध सीधा कैंसर, मोटापा और कई दूसरी गंभीर बीमारियों से है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नेल पॉलिश में ऐसे कई केमिकल्स पाए जाते हैं जो अग्नि अवरोधक होते हैं और इन केमिकल्स की वजह से शरीर के नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स लेवल में बदलाव हो सकता है, साथ ही कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। यहाँ तक कि हर दिन इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, हेयर जेल और लोशन में पैराबेन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे कई और हार्मोन्स बन सकते हैं। फास्ट फूड को लपेटने में इस्तेमाल होने वाला रैपर हो या फिर दाग धब्बों को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान, इन सभी में PFAS केमिकल का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और उनमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कपड़ों को कीट पतंगों से दूर रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली फिनाइल की गोलियां या फिर टॉयलेट को खुशबूदार बनाने में इस्तेमाल होने वाले डिओडोराइजर में पाए जाने वाले केमिकल जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। वहीं कई ऐसे परफ्यूम्स बाजारों में मिलते हैं जिसमें इस्तेमाल किए गए फ्रेग्रेंस केमिकल से पुरुषों की फर्टिलिटी प्रभावित होती है और उन्हें अस्थमा की समस्या भी होती है। हर दिन इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट, साबुन और डिओड्रेंट जैसी चीजों में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में मौजूद थायराइड और दूसरे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे कभी भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।